नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत करती हूँ रंजना वेजफूड चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। तो आज हम बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि दोस्तों मकर संक्रांति त्यौहार जो है आप सभी लोग जानते हैं, उसको गाँव में खिचड़ी बोलते हैं। तो इस त्यौहार पर काफ़ी ढेर सारी रेसिपी बनाई जाती है, कई प्रकार की, जिसको जो जो आता है, जो जो बना सकता है, सभी लोग कई प्रकार की रेसिपी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बनेगा, जो ननद और बुआ होती हैं तो उनके घर पे जाता है, तो आज हमारे यहाँ भी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ईंधन की तैयारी कर लेती हूँ। बेसन को मैंने अच्छे से गूंथ करके तैयार कर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने बेसन को गूंथा हुआ है। तो सेव बनाने से पहले हम बेसन को गूंथ करके रख देते हैं, कम से कम एक घंटा पहले इसको गूंथ कर रखेंगे तो हमारा सेव जो है काफ़ी अच्छे से बन के तैयार होगा। तो एक घंटे के लिए हम बेसन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आग मैंने जला लिया हुआ है, आग हमारा काफ़ी अच्छे से जल रहा है, तो इसमें मैं रख देती हूँ कढ़ाई। तो अब मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। तेल रख दिया हुआ है, तो उधर तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो इधर मैं सेव को झाड़ूंगी। तो देखिए मैंने झाड़ने वाला लिया हुआ है, तो मैं झाड़ूंगी तो थाली पर रख करके। तो ऐसे ही देखिए सभी सेव को हम झाड़ लेते हैं, तो काफी अच्छे से सेव हमारा झाड़ रहा है। देखिए लच्छेदार सेव हमारा काफ़ी अच्छे से बन रहा है। तो मैंने झाल लिया हुआ है, तो अभी इसको लेकर चलते हैं, हम तेल में छानते हैं। तो सेव को मैं तेल में डालती हूँ। और एक लकड़ी ली हूँ मैं, इसी से ऐसे फैलाती जाऊँगी ताकि सभी सेव जो है अलग हो जाएं। तो तेल हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। सेव देखिए हमारा काफ़ी अच्छे से पक रहा है। तो सेव हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है, देखिए मैंने सेव को अच्छे से पका लिया हुआ है। तो इसको निकाल करके मैं रख लेती हूँ परात में। काफ़ी अच्छा आवाज़ निकल रहा है, तो इसको मतलब काफ़ी अच्छे से सेव हमारा जो है तैयार हो गया है। एक घान मैंने बना लिया, तो दूसरा घान भी मैं वैसे ही छानूंगी। हेलो हेलो, निकालने के बाद मैं डंडी से छोड़ा भी जाऊंगी ताकि एक दूसरे में सेव जो है चिपके ना। देखिए तीन थाली सेव हमारा झड़ हुआ, काफ़ी अच्छे से सेव हमारा झड़ रहा है। तो ऐसे ही सेव को झाड़ते जाएंगे और तेल में डाल करके छानते जाएंगे। तो सेव हमारा काफ़ी अच्छे से फूला फूला सा बन रहा है, आप लोग देख ही सकते कितना अच्छे से, देखिए फूला फूला सा बन रहा है और काफ़ी अच्छे से देखिए पक रहा है। तो ये सेव हमारा पक चुका है, जिसको भी मैं निकाल लेती हूँ। सारा सेव मैंने छान लिया हुआ है, तो अभी हम उसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया हुआ है और इतना मैंने चीनी लिया हुआ है। तो पानी मैंने सिर्फ इतना ही पानी हम डालेंगे और इतना मैंने 3 किलो चीनी लिया हुआ, तो चीनी को भी मैं डाल देती हूँ उसी में।
नमक डालो। तो हम चीनी और गुड़ दोनों का बनाएंगे, तो पहले हम आधा कर लेते हैं इसको। आधा मैंने रख दिया है, उसको हम गुड़ से बनाएंगे। देखिए आधा मैंने अलगा दिया है, उतना मैं चीनी का बनाऊंगी। इधर पक रहा है, देखिए पक रहा है, काफी अच्छे से चाशनी में उबाल आ रहा है। तो चाशनी जो है हमारी बन के तैयार हो गई है, मैंने चेक किया हुआ है, आप लोग को दिखा दे पहले। देखिए मैंने चेक किया, ऐसे चेक करना है हमको। थोड़ा सा चाशनी मैंने पानी लिया हुआ, पानी में डालेंगे। फिर पानी में डालने के बाद देखिए हाथों में इस तरीके से बनाने से देखिए बन रहा है। तो इसको मतलब है कि चाशनी हमारी काफी अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई को उतार लिया हुआ है चूल्हा से नीचे। तो जो मैंने सेव रखा हुआ सेव को मैं इसी में डालूंगी, कढ़ाई में डाल करके मैं मिलाऊंगी। चीनी हमारी काफी अच्छे से गल चुकी है, तो अब हम गुंडा बांधना शुरू करेंगे। और इधर देखिए थोड़ा सा मेरी मम्मी बांध रही है। देखिए काफी अच्छे से बंध रहा है। तो कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है, तो कढ़ाई में नहीं बांध पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके हम इसी भगोने में बांधते जाएंगे। तो देखिए काफी अच्छा से हमारा ढूंढा बन पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके हम इसी भगोने में बांधते जा रहे हैं। एक एक करके हम सभी ढूंढ बांध लेते हैं। तो देखिए चीनी वाला मैंने बांध करके तैयार कर लिया हुआ है, तो अभी गुड़ वाला पाक हम बनाएंगे। तो देखिए इतना सारा मैंने पानी डाला हुआ है। आप लोग को कौन वाला पसंद है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चीनी वाला की गुड़ वाला। जरूरत के हिसाब से मैंने गुड़ डाला हुआ है, तो गुड़ जो है हमारा 5 किलो आया हुआ है, तो 2.5 किलो मैंने गुड़ इसमें डाला हुआ है, और 2.5 किलो गुड़ का हम दूसरा रेसिपी बनाएंगे। देखिए गुड़ भी हमारा काफी अच्छे से उबल रहा है, लड़ुआ बनने के लिए तैयार हो गया है। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। तो देखिए एक दूसरे में लिपट रहा है, तो ये अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। तो अभी हम कढ़ाई को उतार देते हैं चूल्हा से नीचे। बहुत ही अच्छे से हमारा ये तैयार हुआ है। देखिए एक दूसरे में काफी अच्छे से लिपट रहा है, तो हमारा ढूंढा बनने के लिए एकदम तैयार हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा निकाल करके फैला लेती हूँ। तो गुड़ को मैंने सेव में अच्छे से मिला दिया हुआ है। तो अभी देखिए गुड़ ठंडा हो गया है, तो अभी अच्छे से हमारा ये बन रहा है। तो देखिए कितना अच्छे से इतना मैंने बनाया हुआ है, अब इतना रह गया है, अब इसको भी हम बांध लेते हैं। तो इतना मैंने बांध करके आप लोग को दिखा दिया, देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये लड़ुआ बना हुआ है। तो अभी इतना रह गया है, थोड़ा सा इसको मैं बना लूंगी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ दो तरीके से लड़ुआ बना करके दिखा हुआ, एक चीनी वाला और एक गुड़ वाला, जो कि हमारा दोनों परफेक्ट बना हुआ है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर को बताइएगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट कर देखा, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्यारे दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ अलग तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।